गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ सोशल साइंस का हमारा जो वीडियो चल रहा था जिसमें अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे 15 नंबर का जो चैप्टर है उसी को आगे ध्यान से पढ़ते हैं, जिसमें अपन ने स्वदेशी के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम स्वदेशी को विस्तार से पढ़ेंगे कि स्वदेशी अवधारणा होती क्या है। तो सिर्फ नाम से ही पता चलता है कि स्वदेशी जो अवधारणा है वो क्या होती है, इसे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कौन से परिवर्तन होते हैं और स्वदेशी को क्यों अपनाना आवश्यक है, इन सभी की चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसमें अपन सबसे पहले देखते हैं स्वदेशी अवधारणा, यानी अपने मन में अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करने की विचारधारा, वो धारणा क्या कहलाती है, स्वदेशी। सीधे सीधे अपन शब्दों में समझें कि स्वदेशी से हमारा अभिप्राय सीधा होता है यानी स्वयं के देश की बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग स्वदेशी कहलाता है। यानी ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जिसमें हम अधिक से मैक्सिमम से ज़्यादा प्रयोग अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का करें और यहाँ उपलब्ध नहीं होने पर अति आवश्यक होने पर ही हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। उससे परिवर्तन क्या होंगे, उससे फ़ायदे क्या होंगे, उससे एक तो फ़ायदे ये होंगे कि देश में बनी हुई हमारे देश का पैसा है वो विदेशों के पास नहीं जाएगा, हमारे देश राष्ट्र की जो विदेशी मुद्रा है वो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें समझेंगे। तो अपन देखते हैं शुरू से स्वदेशी अवधारणा। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए प्रभावशाली आर्थिक रणनीति है ये। हर देश ये चाहता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो उसे मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, हम स्वदेशी को अपनाते हैं। तो स्वदेशी क्या है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक प्रभावशाली एक आर्थिक मतलब धन से संबंधित एक रणनीति है, एक ऐसी रणनीति जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, सुदृढ़ हो सकती है। अब अपन देखते हैं स्वदेशी शब्द का अर्थ स्वयं के देश का, यानी वो सभी वस्तुएं जो अपने देश की है उसको अपन बोलेंगे स्वदेशी। अब ये स्वदेशी जो था वो बीच में अपन बात करेंगे, स्वदेशी तो शुरू से चला रहा है, जब हमारे उद्योग संचालित होते थे हमारे यहाँ की वस्तुएं अपने ही मार्केटों में अपने ही बाज़ारों में उपलब्ध होती थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से वैश्वीकरण का प्रचार प्रसार हुआ, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के पीछे मकसद अलग थे, वैश्वीकरण यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है जिसे अपन बात करें WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, उसके द्वारा कुछ नीति नियम बनाए हुए हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ आसानी से व्यापार कर सकता है। लेकिन इस विचारधारा इस वैश्वीकरण का क्या किया, कुछ जो विकसित राष्ट्र है उन विकसित राष्ट्रों ने क्या किया, इसका ज़्यादा फायदा उठाया और विकासशील राष्ट्रों को उन्होंने शोषण के स्तर पर लाकर छोड़ दिया। अब विकासशील राष्ट्र जो थे उनको ये समझ में आया, देर से आया, लेकिन जब समझ में आया तो उनको ये लगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियमों की अनदेखी कौन कर रहा है, जो ज़्यादा पावरफुल देश है, जो विकसित राष्ट्र है वो उसके नियमों को नहीं मान रहे। तो इन चीज़ों का जब उनको पता लगा उसके बाद में इनके मन में अपने देश के प्रति स्वदेशी की अवधारणा उत्पन्न हुई। अब ये स्वदेशी में क्या होता है, देश की सरकार तो कई ऐसे कानूनों में फंसी होती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसमें वो क्या होती है कि बाहर से आने वाले कंपनियों को वहाँ से आने वाले प्रोडक्ट को वो बैन नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय लोग जो अपने देश के लोग हैं वो देश के लोग तो इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें नहीं करें उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, और इसीलिए विचारधारा जागरूकता स्वदेशी की जागरूकता सभी जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए। वैश्वीकरण के इस दौर में अनेक विदेशी कंपनियाँ भी भारत में आकर उत्पादन करने लगी, यानी इस वैश्वीकरण के दौर में जब उनको ये छूट मिल गई, उनको कुछ रियायतें मिल गई कुछ शर्तों के साथ, तो वो भी क्या गई भारत में आकर के उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार करते करते उन्होंने कंपनियां स्थापित कर ली और अपने यहीं पर उत्पादन करने लगे। अब वो उत्पादन कर रहे थे तो यहाँ उनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा था, अपने ही देश से। यानी उनको वो तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक कच्चा माल उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारे देश का शोषण होता है, हमें जितनी आवश्यकता है हमारे देश की जो कंपनियां होती है वो अपनी आवश्यकता अनुसार देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, उनका खनन करती है, उनका उपयोग करती है। लेकिन विदेशी कंपनियों को तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करती है, वो तो अधिकतम अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करेगी ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो इसी कारण अपन कहते हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में अनेक विदेशी कंपनियाँ भी भारत में आकर उत्पादन करने लगी, इसलिए स्वदेशी शब्द उपयोग
स्वदेशी शब्द का उपयोग भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाने लगा। विदेशी कंपनियां जब भारत में आकर उत्पादन करने लगी तो अपने देश की के उद्योगों से उत्पादित होने वाली वस्तुओं के लिए हमने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया। अतः वर्तमान में स्वदेशी अवधारणा स्वयं के देश की कंपनियों और उद्योगों द्वारा तैयार वो वस्तुओं और सेवाओं को अपनाने से है। यानी स्वदेशी अवधारणा वो है कि स्वयं के देश की कंपनियों और उद्योगों द्वारा तैयार वस्तुओं और सेवाओं को अपनाने से है, और विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग को कम करने पर बल देती है। जैसे टाटा गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि ये आदि उनके इनके द्वारा बनाए हुए जो उत्पाद है वो स्वदेशी उत्पाद कहे जाते हैं, क्योंकि ये सारी कंपनियां जो है भारत के लोगों द्वारा स्थापित और भारत में स्थापित है, तो इनके द्वारा बना हुआ जो भी उत्पादन होगा, इनके द्वारा बनाई हुई वस्तुएं वो स्वदेशी की श्रेणी में मानी जाती है। स्वदेशी की भावना भारतीयों के लिए कोई नया परिवर्तन नहीं है। जैसा कि अपन जानते हैं कि स्वदेशी की जो भावना है वो भारतीयों के लिए कोई नया परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यही स्वदेशी की जो भावना है इसी भावना से तो अपने देश को आज़ादी भी मिली है। स्वदेशी आंदोलन अपन सुनते हैं, महात्मा गांधी द्वारा जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, विदेशी ब्रिटिश वस्तुओं की यानी विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर अपने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इस भावना ने कई बार राष्ट्रों को एकजुट करने का कार्य भी किया है। अब इसके पीछे इसके उद्देश्य क्या होता है, हर देश के अंतर्गत क्या होता है, स्वदेशी की जो भावना है वो क्या करती है, अपने देश के लिए लोगों में क्या करती है, एक राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार भी करने का काम करती है ये स्वदेशी भावना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और विदेशियों को अपने भारत से भगाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है स्वदेशी आंदोलन की। स्वतंत्रता के समय अंग्रेज़ों के उत्पादों का बहिष्कार करके घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया। यानी उन्होंने किया कि अंग्रेज़ों के उत्पादों का बहिष्कार किया गया, घरेलू उद्योगों से जो घरेलू उद्योग नष्ट हो चुके थे उन घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित का मतलब जो लगभग नष्ट होने की कगार पर थे उनको वापस से उत्पादन करने योग्य बनाया गया, पुनर्जीवित किया गया। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आज़ादी की लड़ाई में एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है। महात्मा गांधी द्वारा स्वदेशी को आज़ादी की लड़ाई में एक हथियार के रूप में, बिल्कुल हथियार के रूप में इसलिए था कि सामने वाले व्यक्ति को जब अपने को कमज़ोर करना हो तो कमज़ोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स को हम खरीदना बंद कर देंगे तो वो बनाएगा, उसकी इनकम जो है वो खर्च तो करेगा लेकिन उसके पास उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आर्थिक रूप से उसको लॉस होगा, नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो धीरे धीरे दबाव में आ जाता है। और इसी विचारधारा से महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से एक अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने एक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया, स्वदेशी अवधारणा का। जनता को जागरूक बनाकर स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी का ये मत था कि भारत स्वतंत्र और स्वशासित ही नहीं, यानी हमें महात्मा गांधी ये भी मानते थे कि केवल भारत को स्वतंत्रता और स्वशासित, यानी स्वतंत्रता का बिल्कुल किसी के अधीन नहीं और स्वशासित जिस पर अपना ही अधिकार हो, स्वतंत्रता और स्वशासित ही नहीं करना बल्कि आत्मनिर्भर भी होगा, तभी जाकर पूर्ण रूप से अपने को ये लगेगा कि हाँ हमारा देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है और स्वशासित है। ये तीन चीज़ ऐसी है कि अपने देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाने के साथ साथ स्वशासित ही नहीं आत्मनिर्भर भी होना आवश्यक है। आत्मनिर्भर से हमारा अभिप्राय होता है कि हम किसी के सामने किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाएं, दूसरे से किसी वस्तु को मांगने की आवश्यकता ना पड़े, तो वो आत्मनिर्भर कहलाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी की अवधारणा ही सबसे सही रास्ता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, क्योंकि आत्मनिर्भर से हमारा अभिप्राय स्वदेशी की अवधारणा से आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, तो इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मनिर्भर जो है स्वदेशी की अवधारणा से आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, तो उसके अपन बात कर रहे हैं। जब अपन स्वदेशी प्रोडक्ट्स को, स्वदेशी उत्पादों को अपनाएंगे तो अपने देश में उद्योग संचालित होंगे, उद्योग संचालित होंगे तो अपने देश के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर बनी हुई वस्तु है हालांकि वो सकती है वो महंगी हो, लेकिन अपने देश के अंदर देश के पैसे देश में रहेंगे, जिससे भारत की राष्ट्रीय आय यानी विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी, हमें बाहर से किसी वस्तु को आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार ये एक ऐसा रास्ता है जो स्वदेशी भावना से हमारे देश को आत्मनिर्भर बना सकता है, यानी जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होगी उसका उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। तो अब इसके बाद में अपन बात करें कि
कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत से देश क्या करते हैं, भारत का विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई बड़े आयोजन होते हैं जिसमें बहुत सारे राष्ट्रों को बुलाया जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, भारत भी वहाँ पहुँचता है, तो उस समय वहाँ पर बहुत सारे देश क्या करते हैं, भारत का विरोध करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और ये समस्याओं के लिए भारत को एक तरीका सही लगा कि हमें स्वदेशी को अपनाने से ऐसे राष्ट्र, अब जैसे मान लो अपन बात करें अभी वर्तमान की, कि चाइना जो है, चाइना का 60% के लगभग जो उत्पाद है वो उत्पाद भारत के बाज़ारों में बिकते हैं। अब भारत ने स्वदेशी अपनाना प्रारंभ कर दिया तो उस देश की आर्थिक जो इनकम थी, भारत से होने वाली जो इनकम थी, वो इनकम क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब वो इनकम समाप्त होगी तो ऑटोमेटिक वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, और कमज़ोर होगा तो उसके ऊपर क्या बनेगा, दबाव बनेगा, और वो आगे से क्या करेगा, भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का भारत का विरोध करने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस प्रकार ऐसे राष्ट्रों पर दबाव बनाया जा सकता है स्वदेशी की अवधारणा से। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 1990 के दशक में शुरू हुए वैश्वीकरण ने स्वदेशी का विचार अब वैश्वीकरण की जो शुरुआत मानी जाती है 1990 के दशक में, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए WTO, और इनके माध्यम से जब दो देशों के मध्य आपस में व्यापार के लिए रास्ते खोले गए, तो उस दौरान कुछ वर्षों के लिए ये स्वदेशी विचार जो था वो क्या हो गया, रुक सा गया था। तो धीरे धीरे विकासशील राष्ट्रों को ये अनुभव होने लगा, जब उनको ये पता चलने लगा कि विकसित राष्ट्रों द्वारा विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों की अनदेखी की जा रही है और मुक्त व्यापार की नीति का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे, तो वैश्वीकरण से विकासशील राष्ट्रों को लाभ कम और हानि ज़्यादा हुई। ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण एक प्रतिस्पर्धा के दबाव में अनेक भारतीय उद्योग बंद हो गए, क्योंकि वैश्वीकरण के समय प्रतिस्पर्धा, बाहर से विदेशी कंपनियां यहाँ आती है और सस्ते दामों पर माल बेचना शुरू कर देती है। अब उनको तो कच्चा माल यहीं से ले रहे हैं, यहीं पर तैयार कर रहे हैं, यहीं पर बेच रहे हैं, तो जो भी होगा थोड़ा कम होगा मुनाफा, लेकिन भारतीय कंपनियों को उससे क्या हुआ, जब वो सस्ते दामों पर माल को बेचने लगी तो भारतीय जो उद्योग थे वो लगभग समाप्त हो गए। वैश्वीकरण से विकासशील राष्ट्रों को लाभ कम और हानि ज़्यादा हुई, और वैश्वीकरण एक प्रतिस्पर्धा के दबाव में अनेक भारतीय उद्योग बंद हो गए, और इससे क्या हुआ, जो उद्योग बंद हुए उनमें काम करने वाले जो लोग थे वो भी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों के कारण भारत सरकार विदेशी कंपनियों के आगमन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख सकी। अब इसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों के कारण भारत सरकार विदेशी कंपनियों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं कर सकी, और इन्हीं परिस्थितियों ने भारतीय जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया। हम कई बार कहते रहते हैं कि भारत सरकार इनकी विदेशी आइटमों पर, विदेशी प्रोडक्ट पर बैन क्यों नहीं करती, उनको रोकती क्यों नहीं है, तो वो बहुत सारे ऐसे समझौतों में फंसी होती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो समझौते होते हैं उन समझौतों के कारण वो अन्य देशों से आने वाले प्रोडक्ट को यहाँ पर आने से रोक नहीं सकती। तो लेकिन जो भारत की जनता है, वो जनता तो किसी के दबाव में नहीं है, जनता चाहे तो प्रयोग करे, जनता नहीं चाहे तो प्रयोग नहीं करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों के कारण भारत सरकार विदेशी कंपनियों के आगमन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर सके, और इन्हीं स्थितियों ने भारतीय जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया, और न्याय संगत का यानी ईमानदारी से सभी राष्ट्रों ने वैश्वीकरण का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करते हुए उन्होंने क्या किया, इसको लाभ का एक जरिया बना लिया। वैश्वीकरण के अभाव में स्वदेशी की भावना ने जोर पकड़ना शुरू किया, और वर्तमान में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना ने स्वदेशी को क्या बना दिया, सार्थक भी बना दिया। सार्थक से हमारा अभिप्राय ये कि हमारे देश के लिए काफ़ी सफलता का मार्ग लगने लगा। स्वदेशी की भावना समाज में और देश में आर्थिक क्रांति उत्पन्न कर देती है, कर देश की जनता में देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना भी उत्पन्न करती है। सीधी सी बात है, जब अपन किसी चीज़ को कि मेरे देश की बनी हुई चीज़ है, तो स्वदेशी भावना क्या करती है, देश में आर्थिक क्रांति तो लाती है, साथ ही साथ देश की जनता में देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना भी उत्पन्न कर देती है, कि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर जो लगने वाला जो टैक्स है वो हमारे देश की सरकार के पास जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि स्वदेशी से क्या क्या लाभ होते हैं। तो स्वदेशी में सबसे पहले अपन बात करेंगे, भारत में बनी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जब स्वदेशी अपनाएंगे,
और भारतीय उद्योगों के विकास के अवसर बढ़ेंगे। जब अपने जो अपने यहाँ पर वस्तुओं की डिमांड करेंगे तो यहाँ के जो उद्योग बंद पड़े हैं वो उद्योग क्या होगा, पुनर्जीवित होंगे और उनको विकास के अवसर मिलेंगे। स्वदेशी उत्पादों से घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जब स्वदेशी उत्पाद अपनाएंगे तो उनके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है, कर है, उसकी जो इनकम के रूप में सरकार के पास, उससे आमदनी बढ़ेगी और सरकार की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। लोगों को नए नए उद्योग स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। स्वदेशी से आयातों में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत। आयात कम करना पड़ेगा और अपनी विदेशी मुद्रा अपने पास जो स्टॉक है वो स्टॉक ऐसा कैसा बना रहेगा, यानी उसकी भी बचत होगी। पाँच नंबर पर अपन बात करें कि विदेशी कंपनियां लाभ के रूप में जो धनराशि यहां से ले जाती है, यानी यहां पर बनाती भी यहीं पे, ख़रीदती भी यहीं से, सब कुछ तैयार करने के बाद में जो लाभ जो होता है, उस लाभ की धनराशि को जो यहां से ले जाती है, वो स्वदेशी अपनाने से ये धनराशि भारत में ही रहने लग जाएगी। यानी उनको कोई लाभ नहीं होगा तो यहां से क्या लेकर जाएंगे फिर वो। आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। संकटकालीन परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता देश के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति देश के अनुकूल होती है। स्वदेशी कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करते हैं। इसने कहा है कि स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति देश के अनुकूल होती है। जब अपने देश की यहाँ उद्योग संचालित होंगे तो सारी सोच समझकर उतना ही उत्पादन करेंगे जितनी अपने को आवश्यकता होगी, लेकिन विदेशी कंपनियाँ क्या करती, आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करती है। और ये जो स्वदेशी कंपनियाँ हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का एक सीमित, एक लिमिट, एक दायरे में उसका प्रयोग करती है। कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर लाभ कमाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर वही देश भारत का विरोध करते हैं। जब अपने देश में कोई सामान बेचकर वो लाभ भी कमा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर उसका विरोध, अपने देश का विरोध कर रहे हैं, तो इससे स्वदेशी अपनाने से ऐसे राष्ट्रों पर दबाव उत्पन्न होगा और स्वदेशी की भावना राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने का कार्य भी करती है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से सरकार की राजस्व आय भी बढ़ती है। जब घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो देश की इनकम जो है, राजस्व इनकम जो है, वो भी बढ़ने लग जाती है। अच्छा, स्वदेशी से देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं होता। स्वदेशी से देश में प्राकृतिक जो संसाधन है वो केवल आवश्यकता अनुसार ही उपयोग किए जाते हैं, उनसे शोषण नहीं होता। तथा वैश्वीकरण ने पहले ही प्राकृतिक संसाधनों का बहुत शोषण कर लिया। वैश्वीकरण के कारण हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका आवश्यकता से ज़्यादा पहले शोषण हो चुका है, तो उस शोषण से बचने के लिए हमें स्वदेशी अपनाना अति आवश्यक है। वैश्वीकरण की अवधारणा पहले से ही इस रूप में विद्यमान है कि सारी दुनिया एक परिवार। जब वैश्वीकरण ये मानकर चलता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और इसका प्रत्येक सदस्य निरोग सुखी रहने के आधार पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी वैश्वीकरण की धारणा रहती है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है और उसका प्रत्येक सदस्य सुखी और निरोग रहे। जबकि वर्तमान में यूरोप और अमेरिका ने वैश्वीकरण को मुनाफा कमाने पर केंद्रित कर दिया। इसी वैश्वीकरण में विकसित राष्ट्रों ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, केवल फायदे के लिए इसका प्रयोग करने लगे। अतः स्वदेशी अवधारणा के अंतर्गत सभी व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के कल्याण से समस्त विश्व के कल्याण की ओर अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। अब ये अपनी स्वदेशी अवधारणा है जिससे हमें ये बेनिफिट होते हैं। स्वदेशी अवधारणा हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी वस्तु को अपनाने से अपने देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और वही इनकम जो होती है देश के पास, जो राष्ट्रीय आय आती है जो देश टैक्स के माध्यम से, और उसी इनकम को हमारे विकास के लिए, जनता के विकास के लिए सरकार खर्च करती है। इसलिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाना का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक है। तो नमस्कार, अब अपन नेक्स्ट कौशल विकास के बारे में, नेक्स्ट वाले वीडियो में कौशल विकास जो अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इसके नोट्स को ध्यान से रिटर्न में लिखना है। मैंने प्रयास किया है कि आपको बुक की जगह नोट्स बना करके आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है और कॉपी में नोट करते रहना है, समझना है ढंग से। नमस्कार।